Hello everyone. So these are solved example from second lesson Pythagoras theorem and ये जो question चल रहा है, it is application of Pythagoras theorem. Okay. So let's see what is first question. तो पहला question है कि in figure segment PM is a median of triangle PQR and PQ square plus PR square equal to 290. Then find the value of QR. Okay. तो given में आपको ये है कि in triangle PQR this PM is a median. ठीक है. तो ये सॉल्व एग्जाम्पल जो है ये पर्टिकुलर है फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में देयर आर बेसिकली तीन थ्योरम दिए हैं. पहला तो दिया है एप्लीकेशन फॉर द एक्यूट एंगल, उसके बाद में दिया है एप्लीकेशन फॉर द ऑब्ट्यूस एंगल, एंड उसके बाद में जो तीसरा थ्योरम दिया है वो दिया है अपोलोनियस थ्योरम. ठीक है. तो तीनों रिजल्ट जो है आपको ध्यान में रखना है कि कैसे अप्लाई होता है ट्रायंगल के ऊपर. ठीक है. तो इसमें जो अपोलोनियस थ्योरम था वो था पर्टिकुलर मीडियन के लिए. तो ये क्वेश्चन में भी जो है आपको मीडियन दिया है, तो मीडियन दिया है यानी ये क्वेश्चन बन जाएगा अपोलोनियस थ्योरम का. ठीक है. सो गिवन में ये है कि सेगमेंट पीएम इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, देन पीक्यू स्क्वायर प्लस पीआर स्क्वायर इक्वल टू 290, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूआर. तो क्यूआर का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. ओके. सो और एक वैल्यू इसमें दिया है, एक वैल्यू जो दिया है इसमें पीएम वैल्यू आपको दिया है. ओके. सो पीएम वैल्यू दिया है 9. सो दिस वैल्यू इज गिवन 9. सो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा बाय अपोलोनियस थ्योरम. तो इसमें आपको गिवन टू फाइंड ये सब कुछ लिखना है एंड उसके बाद में इसका सॉल्यूशन लिखना है. ठीक है. तो बाय अपोलोनियस थ्योरम अभी देखना है कि अपोलोनियस थ्योरम किस तरीके से अप्लाई होता है. ठीक है. सो अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई होता है कि जो भी बेस के ऊपर आपको मीडियन दिया है उसको छोड़ देना है. ठीक है. तो बेस इसमें है जिसके ऊपर मीडियन दिया है वो है क्यूआर. तो इसको छोड़ के सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, सो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड यानी कौन आएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर. तो ये जो अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई होता है ये होता है पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर. तो मीडियन कौन है इसमें पी एम प्लस ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ द बेस स्क्वायर. ठीक है. तो हाफ ऑफ द बेस कौन है, क्यू एम है या एम आर है, कोई भी एक वैल्यू आपको लेना है. सो टू क्यू एम स्क्वायर या इसको रिप्लेस कर सकते हो आप 2mr स्क्वायर से, क्योंकि बोथ वैल्यूज आर सेम, क्योंकि मीडियन यहां पे दिया है pm इज अ मीडियन तो m मिड पॉइंट बनेगा यानी qm इज इक्वल टू बनेगा mr. तो आपको qm अगर लेना है तो qm ले लो या mr अगर लेना है तो mr भी आप ले सकते हो. ठीक है. बस तो ये हो गया अपोलोनियस का स्टेटमेंट. तो ये जो रिजल्ट है अपोलोनियस का, ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना जरूरी है, कैसे अप्लाई होता है वो भी देखना जरूरी है. अगर ये आपको फॉर्मूला नहीं पता कि किस तरीके से अप्लाई होता है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते. ठीक है. इसके बाद में जो वैल्यू दिया है वो पुट करो, सो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर दिस वैल्यू इज इवन 290. तो यहाँ पे बनेगा ये 290. उसके बाद में 2 पी एम स्क्वायर, सो पी एम का वैल्यू दिया है 9, तो पी एम स्क्वायर है यानी 9 स्क्वायर बनेगा प्लस 2 इंटू क्यू एम स्क्वायर. ओके. सिंपलीफाई, सो 290 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर इज 81, 81 इंटू 2 162, तो ये आ जाएगा 162 प्लस 2 इंटू क्यू एम स्क्वायर. यहां से आप कैलकुलेशन कंप्लीट करो, सो ये बनेगा 290 माइनस 162 जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा एंड देन कंप्लीट कैलकुलेशन. सो 290 माइनस 162 ये आएगा 8. इट इज 128. ओके. इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू एम स्क्वायर, सो देयरफॉर क्यू एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा 128 को. सो 128 डिवाइडेड बाय 2, सो फाइनली क्यू एम स्क्वायर इज इक्वल टू 64. ओके. सो दिस इज वैल्यू ऑफ क्यू एम स्क्वायर. तो क्यू एम स्क्वायर का वैल्यू नहीं, क्यू एम का वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो टेकिंग स्क्वायर,
सो क्यू एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा क्यू एम एंड 64 का स्क्वायर रूट आएगा ए। ठीक है, वैसे तो प्लस माइनस आता है मगर ये क्योंकि लेंथ है ट्राइंगल का सो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं रहता है तो पॉजिटिव वैल्यू ही आपको लेना है। ओके, सो क्यू एम 8 बन गया, मगर आपको जो फाइंड आउट करना है वो बोला है कि फाइंड आउट क्यू आर। तो क्यू आर क्या होगा, क्योंकि एम इज मिड पॉइंट ऑफ द क्यू आर, यानी क्यू एम जो है वो हाफ रहेगा क्यू आर से, यानी क्यू एम अगर 8 है तो क्यू आर बनेगा 16। तो वो आपको पहले इक्वेशन लिखना है कि क्यू आर इज डबल ऑफ क्यू एम। ओके, सो देयरफॉर क्यू आर जो है वो बनेगा 16। सो दिस इज सॉल्यूशन फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज सेकेंड सॉल्व एग्जाम्पल। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट करना है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बस आपको दिया है एंड ये स्टेटमेंट जो है आपको प्रूव करना है, फिगर वगैरह कुछ दिया नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले अच्छे से पढ़ लो कि इसमें जो क्वाड्रिलेटरल दिया है वो दिया है आपको रोम्बस। ठीक है, तो जो भी फिगर बनेगा वो बनेगा रोम्बस का। तो सबसे पहले एक रोम्बस आप ड्रॉ करो। तो क्वाड्रिलेटरल जो रोम्बस होता है उसका एक प्रॉपर्टी होता है कि इन रोम्बस ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, वही हिसाब से जो है चारों साइड इक्वल आपको आइडेंटिकल मार्क देके बनाना है। ठीक है, एंड इसमें डायगोनल्स भी आई है, डायगोनल्स, सो जॉइंट डायगोनल्स, सो फर्स्ट डायगोनल इज ए सी एंड सेकेंड डायगोनल इज बी डी एंड सपोज इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज ओ। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये होता है कि जो रोम्बस होता है उसका डायगोनल का प्रॉपर्टी होता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इसमें भी डायगोनल्स बाइसेक्ट होगी, सो जैसे यहाँ पे बाइसेक्ट होगी यानी ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। तो डबल लाइन ये क्या इंडिकेट करता है कि ए ओ जो है वो सी ओ के साथ इक्वल है। ठीक है, क्योंकि मैंने सिंगल लाइन यूज किया है सो आई एम यूजिंग योर डबल लाइन। एंड यहाँ पे बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, सो सपोज यहाँ पे आप ट्रिपल लाइन यूज करो। ठीक है, तो ये ट्रिपल लाइन भी हो गया, तो ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है। तो फिर से मैं एक बार पढ़ लेती हूँ कि प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायगोनल, सो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल, तो पहला जो डायगोनल है वो क्या है, ए सी स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल। ठीक है, यानी जो डायगोनल है उसका स्क्वायर करके सम, सो ए सी स्क्वायर। सेकेंड जो डायगोनल है वो है बी डी, तो ये बनेगा बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड। तो ये जो डायगोनल का स्क्वायर करके सम है ये सम इक्वल रहने वाला है विद द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड। तो साइड कितनी है, देयर आर फोर साइड, तो इनका भी जो है स्क्वायर करके आपको सम करना है, यानी ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज अवर प्रूव दैट इक्वेशन जो आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको जो है पूरा आपको लिखना है गिवन टू प्रूव एंड उसके बाद में प्रूव। सो स्टार्ट फ्रॉम गिवन, सो गिवन क्या होगा कि जो क्वाड्रिलेटरल दिया है आपको एबीसीडी इट इज अ रोम्बस, सो गिवन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रोम्बस। ओके, देन टू प्रूव का इक्वेशन है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट साइड, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ओके, तो ये इक्वेशन आपको प्रूव करना है एंड देयर इज नो कंस्ट्रक्शन पार्ट, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसके बाद में प्रूव। सो अभी मैंने बताया कि रोम्बस का प्रॉपर्टी होता है कि इन रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी यहाँ पे ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रही है। ठीक है, बाइसेक्ट हो रही है यानी इसका मतलब है कि एओ जो है वो सीओ के साथ कैसा है, इक्वल है। ठीक है, तो एओ अगर सीओ के साथ इक्वल है यानी ये जो ओ है ये बनेगा मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट बनेगा, वो बनेगा मिड पॉइंट ऑफ द एसी। ठीक है, एंड अगर मिड पॉइंट है तो यू कैन अप्लाई अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम तभी अप्लाई होता है जब
देयर इज अ मीडियन गिवन, अगर ट्राइंगल का मीडियन आपको दिया है तो ओ बनेगा मिड पॉइंट ऑफ द ए सी एंड ओ बी जो है वो बन जाएगा मीडियन, ठीक है। सो यू कैन अप्लाई अपोलोनियस थ्योरम, तो अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करके जो है आपको ये सॉल्व करना है। सो फर्स्ट आई एम राइटिंग योर, पहले तो आपको ये दिया नहीं है कि ओ इज अ मिड पॉइंट, ठीक है, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। वो प्रूव कैसे होगा, सो ये होगा कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रोम्बस, ठीक है, सो देयरफॉर एओ इज इक्वल टू सीओ एंड बीओ इज इक्वल टू डीओ, ठीक है, तो दो नहीं लिखना है, एक ही स्टेटमेंट लिखा तो काम चल जाएगा कि एओ इज इक्वल टू सीओ या बीओ इज इक्वल टू डीओ, कोई भी एक ही स्टेटमेंट लिखो। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि रोम्बस का जो डायगोनल है वो क्या होता है, बाइसेक्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि AO is equal to CO, इसका मतलब क्या है कि O is the midpoint of, किसका midpoint है वो AC का, वैसे तो BD का भी है मगर जो मैंने equation लिखा है वो लिखा है for the AC, so O is the midpoint of AC, so therefore क्या होगा कि OB is the median। तो ये दो चार स्टेप मैंने जो लिखे हैं वो तो इसमें इसलिए लिखे हैं कि ये प्रूव हो सके कि OB इज अ मीडियन, तो अभी ये प्रूव हो गया कि OB इज अ मीडियन, नाउ यू कैन अप्लाई अपोलोनियस थ्योरम। सो बाय अपोलोनियस थ्योरम, सो अपोलोनियस थ्योरम किस तरीके से अप्लाई होता है, अभी आपने देखा था पहले वाले एग्जांपल में, तो जो भी बेस के ऊपर आपको मीडियन दिया है जैसे OB, OB या BO इज अ मीडियन, यानी बेस बनेगा AC, जो बेस के ऊपर मिड पॉइंट आता है वो बेस को छोड़ देना है and sum of square of remaining two side, so remaining two side आएगी AB and BC, तो उसका square करके sum, यानी ये बनेगा AB square plus BC square is equal to twice of median square, तो median कौन है, OB है, so यहाँ पे आएगा twice of BO square या OB square, जो भी लेना है, and plus twice of half of the base square, तो half of the base कौन है, या तो AO ले लो या तो CO ले लो, दोनों ही half है बेस एसी के, ठीक है, सो आई एम राइटिंग हियर एओ, आपको अगर सीओ लेना है सो यू कैन ऑल्सो टेक सीओ, एंड ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। सिमिलरली इसलिए क्योंकि जो स्टेप मैंने ऊपर में लिखा है वही स्टेप लिखना है, तो डायरेक्टली सिमिलरली करके यू कैन राइट सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी, प्लस ट्वाइस ऑफ एओ स्क्वायर या सीओ स्क्वायर, तो क्योंकि पहले इक्वेशन में आपने एओ लिया है तो बेटर है कि एओ ही लो आप, ओके, एंड नाउ दिस इज इक्वेशन टू, ठीक है। तो इसके बाद में क्या करना है कि ये दोनों इक्वेशन का सम करना है, क्योंकि जो प्रूव दैट है उसमें चारों साइड का सम है, तो दो साइड पहले इक्वेशन में है, दो साइड दूसरी इक्वेशन में है, तो इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू करना होगा। So, इसके बाद जो आएगा वो आएगा कि इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, तो एडिशन मिलेगा आपको ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड क्या होगा कि यहाँ पे देखो आप टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर, एडिशन बनेगा फोर ए ओ स्क्वायर, तो ये एडिशन बनेगा 4AO स्क्वायर, उसके पहले जो है ट्वाइस BO स्क्वायर प्लस ट्वाइस OD स्क्वायर, उसको जो है तो आप अगर फिगर में देखते हो कि ट्वाइस OD ट्वाइस BO या इसके पहले वैल्यू लिख लो आप ट्वाइस BO स्क्वायर प्लस ट्वाइस OD स्क्वायर, एंड ये दोनों का एडिशन हो गया 4AO स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे आई एम नॉट राइटिंग LHS, आई एम डूइंग ओनली कैलकुलेशन फॉर द RHS, ठीक है। सो ट्वाइस BO स्क्वायर,
तो बीओ देखो आप कि बीओ जो है वो किसका हाफ है, बीओ जो है वो है हाफ बीडी का, ठीक है। क्यों हाफ है, क्योंकि डायगोनस बाइसेक्ट ईच अदर, तो वो बीओ जो है बीडी का हाफ है। एंड जो प्रोडक्ट में है उसमें डायगोनल का वैल्यू है, हाफ ऑफ द डायगोनल नहीं है, तो आपको जो ये रिमेनिंग दो वैल्यू जो है उसको आपको, यानी एक साइड देखो जो भी इक्वेशन आपको प्रूव करना है उसका एक साइड साइड्स का रोम्बस का जो अपने को मिल गया, एंड जो दूसरा साइड है जो प्रूव करना है उसमें अपने को डायगोनल होना है, तो ये दूसरी साइड में जो भी तीन वैल्यू आई है उसको लिखना है आपको इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, ठीक है। सो बीओ, ये जो बीओ है इट इज हाफ ऑफ बीडी, सो इसको भी लिखने का तरीका है कि दिस बीओ इज हाफ ऑफ बीडी, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से लिखते हो कि हाफ ऑफ बीडी स्क्वायर, ऐसा अगर लिखते हो आप कि दिस बीओ इज हाफ ऑफ बीडी स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको लिखना इसी तरीके से है टू एज इट इज ब्रैकेट का स्क्वायर एंड ये जो बीओ है इट इज हाफ ऑफ बीडी। प्लस ओडी स्क्वायर, सो ओडी किसका हाफ है, ओडी इज ऑल्सो द हाफ ऑफ बीडी, तो यहाँ पे भी जो है ब्रैकेट स्क्वायर करके ब्रैकेट के अंदर ओडी यानी इट इज हाफ ऑफ बीडी, ठीक है। प्लस फोर एओ स्क्वायर, सो ये जो एओ है इट इज ऑल्सो हाफ ऑफ, इट इज हाफ ऑफ ए सी, ये बनेगा हाफ ऑफ ए सी एंड इसका जो है स्क्वायर, ठीक है। सो सारे कैलकुलेशन कर लो आप, सो आई एम डूइंग कैलकुलेशन हियर। सो ये लेफ्ट हैंड साइड है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड है उसको मैंने वैल्यू रिप्लेस किया, इसके कैलकुलेशन करना है। सो टू एज इट इज, सो वन बाय टू का स्क्वायर होगा वन बाय फोर एंड बी डी का स्क्वायर बनेगा बी डी स्क्वायर यानी वन बाय फोर बी डी स्क्वायर प्लस टू एज इट इज वन बाय टू बी डी, इसका स्क्वायर बनेगा वन बाय फोर बी डी स्क्वायर, ठीक है। एंड फोर एज इट इज इन टू वन अपॉन टू का स्क्वायर यानी वन बाय फोर एंड ए सी का स्क्वायर बनेगा ए सी स्क्वायर। सो कैलकुलेशन कंप्लीट करो आप, तो यहाँ पे देखो ये टू एंड फोर गेट कैंसिल यानी हाफ बी डी स्क्वायर, यहाँ पे टू एंड फोर गेट कैंसिल यानी ये भी बनेगा हाफ बी डी स्क्वायर, यहाँ पे पूरा फोर फोर कैंसिल यानी ये बनेगा ए सी स्क्वायर, ठीक है। सो हाफ प्लस हाफ, हाफ बी डी स्क्वायर प्लस हाफ बी डी स्क्वायर, आप सबको पता है कि हाफ प्लस हाफ बनता है वन, यानी ये बनेगा वन बी डी स्क्वायर यानी ओनली बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ये एल एच एस एंड ये आर एच एस, तो फाइनल जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। सो नेक्स्ट